सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ सोनू सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के लिए क्लोजेस्ट पॉसिबल एग्जाम डेट। ठीक है, यानी कि नीट 2021 के लिए वो क्लोजेस्ट पॉसिबल एग्जाम डेट जिसके पहले यार कि यानी कि नीट 2021 का एग्जाम मिस हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेट यानी कि उस डेट को जिसके पहले नीट 2021 का एग्जाम मिस पॉसिबल नहीं है, उस डेट की यानी कि जितना यानी कि डिले हो सकता है, बाद हो सकता है, लेकिन उस डेट के पहले तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो यार फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीट से रिलेटेड और भी हर अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। एंड वैसे स्टूडेंट्स यार जिनको अगर जो ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा नीट 2021 के लिए मीन्स अच्छे से प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाया, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यार मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो 30 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कि आप 500 प्लस मार्क्स उन्हीं 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर से कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी को मैंने तीनों चैप्टर को बताया। ठीक है, तो उस वीडियो को मेक श्योर आप जरूर देख लें। मैं आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा एंड चैनल के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी कर दूंगा, पिन में कर दूंगा। ठीक है, चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखो यार पिछले 2-3 सालों के गवर्नमेंट का क्या डिसीजन रहा है एंड क्या मिस पैटर्न रहा है एग्जाम डेट को यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म से लेके एग्जाम कंडक्ट होने तक, उस यानी कि पिछले के 2-3 सालों के एनालिसिस को करके हम लोग ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा नीट 2021 का एग्जाम क्लोजेस्ट यानी कि पॉसिबल एग्जाम डेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यार जैसा कि देखिए 2016 का हम अगर जो एनालिसिस करें कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो सबसे पहले अगर जो आप लोग देखो तो एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 2016 में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ था वो आपका 26 मई को हुआ था। ठीक है, तो यानी कि 2016 में एप्लीकेशन फॉर्म 26 मई को हुआ था एंड लास्ट डेट जो था यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिली का वो 25 जून था। ठीक है, यानी कि ये दोनों को बीच का अगर जो गैप देखें तो यानी कि 1 मंथ यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से लास्ट डेट तक का 1 मंथ का टाइम था। उसी तरह से एडमिट कार्ड अगर जो देखें तो लास्ट डेट से एडमिट कार्ड यानी कि का अगर जो टाइम देखें तो आपका 15 डेज था एंड एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद फिर एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो यानी कि 8 जुलाई से फिर 24 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर जो देखें तो एडमिट कार्ड से आपका एग्जाम होने तक के जो गैप है वो 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों के बीच में 1 मंथ एंड 15 एंड 15 डेज। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से एग्जाम डेट कंडक्ट होने तक आपका जो डेट था वो 2 मंथ का एटलीस्ट यानी कि मिनिमम टाइम तो 2 मंथ का लगा था 2016 में। ठीक है, तो सो अब यार हम लोग देखते हैं 2019 का एनालिसिस। ठीक है, तो 2019 में आप लोग देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होना शुरू हुआ था वो आपका 1 नवंबर से शुरू हुआ था एंड लास्ट डेट जो था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 2019 के लिए वो था 7 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो तो 1 मंथ 6 डेज यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर लास्ट डेट तक था एंड उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था वो आपका 15 अप्रैल को रिलीज हुआ था 2019 में एंड एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 5 मई का। ठीक है, तो इस दोनों के भी गैप को अगर जो देखें तो 15 डेज। ठीक है, तो यानी कि दोनों का अगर जो अप्रॉक्स अगर जो मिला लें तो यहाँ पे भी मिनिमम यानी कि 2 मंथ का जो है टाइम यहाँ पे भी लगा है। 2019 में भी एटलीस्ट 2 मंथ का टाइम मिस लगा था एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से आपका मिस एग्जाम डेट कंडक्ट होने से। ठीक है, तो अब यार आप लोग ये देख सकते हो कि ईयर 2020 का एनालिसिस आप लोग देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ था 2 दिसंबर को यानी 2 दिसंबर को एंड लास्ट डेट जो था 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो था 6 जनवरी। ठीक है, तो इन दोनों के गैप का अगर जो देखें तो 1 मंथ 4 डेज का गैप है एंड उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो रिलीज हुआ था वो 31 अगस्त को हुआ था एंड एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 13 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों के भी गैप को अगर जो देखें तो 15 डेज लगभग यानी कि दोनों को अगर जो फिर से यहाँ पे देखें तो मिनिमम यानी कि 2 मंथ अप्रॉक्स का जो टाइम है यानी कि 2 मंथ का टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, तो अब अब यार बात करते हैं हम 2020 नीट 2021 का डेट के बारे में कि आपका नीट 2021 का क्लोजेस्ट पॉसिबल एग्जाम डेट क्या होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले यार देखें तो 2020 एंड 2019 एंड 2016 के बेस पे जिस तरह से आपका एग्जाम का मीन्स डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस तरह से अगर जो हम लोग देखें तो यार आपका मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी तक कोई भी नीट 2021 के लिए कोई भी मीन्स ऑफिशियल इस तरह से एग्जाम डेट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, क्योंकि कोई भी नोटिस नहीं रिलीज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे यार अगर जो देखें तो अभी से भी आपका यानी कि जून का तो ऐसे भी मीन्स फाइनली एंड होने ही वाला यानी कि 18th यानी कि 19th जून आज हो चुका है, तो आपका अगर जो 2-3 दिनों में कुछ आता भी है नोटिस यानी तो इस सप्ताह में, तो आपका यानी कि आप ये मान के चलो कि नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होना शुरू भी होगा तो आपका 1 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो देखें तो यार नीट 2021 यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड लास्ट डेट जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1 अगस्त तक आपका मीन्स लास्ट डेट हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, एंड उसके बाद फिर लास्ट डेट से यानी कि एडमिट कार्ड जो रिलीज होने का जो डेट होता है यानी कि गैप होता है वो 15 डेज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 अगस्त से 12 to 15 अगस्त के बीच में आपका जो है यानी कि एडमिट कार्ड ही रिलीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट होने में ये दोनों का जो गैप होता है वो भी 15 डेज होता है। तो यहाँ पे अगर जो देख लें तो 12 से 15 के बीच में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको 25th to 31st अगस्त यानी कि लास्ट वीक ऑफ थर्ड वीक ऑफ अगस्त में या तो फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका मीन्स एग्जाम ज़्यादा है कि कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये यानी कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में भी ये डेट आपका मिस जा सकता है। ठीक है, तो ये फाइनली आप लोग देख सकते हो पिछले यानी कि 2-3 सालों के जो ट्रेंड रहा है, पिछले 2-3 सालों के जो गवर्नमेंट का मीन्स डिसीजन रहा है उसके बेस पे आप लोग देख सकते हो कि नीट 2021 का मीन्स फाइनली जो डेट है वो
आपका ये होने वाला है, यानी कि वन मंथ इस बीच में एंड 15 to 15 इस डेट में, तो यानी कि 2 मंथ का मिस मिनिमम जो टाइम है यार, वो मिस सारा प्रोसेस होने में, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से डेट यानी कि कंडक्ट होने में मिनिमम यानी कि 2 मंथ का टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो यानी कि क्लोजेस्ट अगर जो पॉसिबल एग्जाम डेट की यार बात करें, तो वहाँ पे आपका ये बता रहा है कि आपका 21st ऑफ अगस्त से 31st ऑफ अगस्त के बीच में यानी कि क्लोजेस्ट पॉसिबल इस यानी कि 21st ऑफ अगस्त के पहले तो आपका यानी कि एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी यार 21st अगस्त से ज़्यादा यानी कि आपका 1st वीक ऑफ सितंबर 5 सितंबर यानी कि 7 सितंबर तक यानी कि हो सकता है, लेकिन 25th ऑफ अगस्त से पहले आपका नीट 2021 का एग्जाम डेट नहीं हो सकता है। तो बाकी यार 20 ऑफ अगस्त को मीन्स आप अपना पूरा फाइनल मीन्स स्टडी स्ट्रेटजी के साथ मीन्स अपना प्रिपरेशन करें, 20 अगस्त से पहले आपका पूरा सिलेबस मीन्स एंड होना चाहिए एंड आप मीन्स पूरा कन्फर्म मीन्स प्रिपेयर हो जाओ कि 20 अगस्त से पहले, ठीक है। तो बाकी यार यानी कि 20 अगस्त से पहले यानी कि और भी बाकी फिर जितना भी आगे मीन्स डेट आगे बढ़ेगी तो उसके हिसाब से आप लोग मीन्स अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो वो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो आप 25th ऑफ अगस्त को यानी कि फाइनल क्लोजेस्ट पॉसिबल एग्जाम डेट को मान करके 20 अगस्त से पहले अपना सारा प्रिपरेशन मीन्स स्टडी के साथ अपना मीन्स प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।